हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज मैं आपको क्लास 12 के विस्टस सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी पढ़ाने जा रहा हूं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लें इसके बारे में तो बढ़िया रहेगा। इन शुड बी जार्ड हिट मम्मी जो लेसन है, इसका मुख्य पात्र है जॉन। वह एक, जिस तरह से आदत होती है छोटे बच्चों को कहानी सुनाने की, ऐसे ही वह कहानी सुना रहा है। किसको? अपनी बच्ची को, जिसका नाम जो है। और वह बहुत गर्मजोशी के साथ जो अपने पिता के कहानी को रिस्पांस करती है। लेकिन रोजर की जो मदर होती है, रोजर स्कंक की, वो जादूगर उसे बैड स्मेल से अच्छे स्मेल में चेंज किया रहता है। इसके बावजूद वो उसे पुनः ले जाती है और बैड स्मेल में परिवर्तित कराती है। इस तरह से जो का जो हीरो है रोजर स्कंक, जो के अनुसार उसे गुलाब की तरह महकना चाहिए हर हालत में। इसीलिए वह चाहती है कि उसके पिताजी जो कहानी सुनाए हैं उसमें कुछ चेंजिंग करें। वह चाहती है कि कहानी थोड़ा सा डिफरेंट वे में हो। और इस तरह से वह चाहती है कि उसकी मम्मी, जिसने विजार्ड को पीटा था, तो विजार्ड उसकी मम्मी को पीटे। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। जैक जो जो का पिता है, वह अपनी लड़की जो को शाम को और विशेषकर शनिवार को, चूँकि बच्चों की आदत होती है वो सोते नहीं हैं, तो उसको झपकी दिलवाने के लिए, सुलाने के लिए कहानी सुनाया करता था। हर कहानी में कोई सच्चाई नहीं थी, ये कहानी उसके दिमाग की उपज थी, इमेजिन थी। और इस सिस्टम, इस प्रथा की शुरुआत उस समय हुई जब जो 2 साल की थी और 2 वर्ष से यह चली आ रही थी। प्रत्येक नई कहानी मूल कहानी की तरह ही होती थी, थोड़ा सा अंतर होता था बस। हर कहानी में एक छोटा सा जीव होता था जिसका नाम रोजर हुआ करता था। कभी वह रोजर मछली के रूप में रहता था, कभी वह रोजर गिलहरी के रूप में रहता था, कभी वह रोजर चिंपक के रूप में रहता था, कभी वह रोजर ड्रैगन के रूप में रहता था। इस तरह से रोजर तो मुख्य था। अब उसके नाम इधर उधर हो जाते थे। हर कहानी में रोजर के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आता था। उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए वह एक उल्लू के पास जाता था और उल्लू उस प्रॉब्लम को सुन करके उसे जादूगर के पास भेज दिया करता था। अकॉर्डिंग टू बुक, आज की जो कहानी थी वो रोजर स्कंक पर थी, रोजर स्कंक के बारे में थी। यह एक नए किस्म का जानवर था, नर्सरी के बच्चे इसके बारे में औस बातचीत करते हैं। जैक
जो का जो पिता है, उसको एक नया नायक मिल गया था रोजर स्कंक, और इस तरह से उसने कहानी शुरू की और बताया कि देखो जो एक बार की बात है, एक घना अंधेरा जंगल था और उस जंगल में एक छोटा सा रोजर स्कंक नाम का क्रीचर जीव रहता था और सब तो ठीक था, लेकिन एक बहुत ही बुरी बात थी, उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आती थी, बहुत ही खराब स्मेल उसके अंदर से आती थी, इतनी खराब स्मेल उसके अंदर से आती थी कि कोई भी जानवर उसके साथ खेलना पसंद ही नहीं करता था। जो भी उसके साथ आता था, ये बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, ये सुन के भाग जाता था। रोजर स्कंक अब कोई उसके साथ खेलता नहीं था तो वो अकेला पड़ जाता था, अकेले रहता था, चूंकि उसके शरीर से बदबू जो आती थी। कोई उसके साथ जब खेलता नहीं था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आंसू गिरते थे। ये कहानी जब जो सुन रही थी तो हर कहानी वो पहले से ही सुनती आ रही थी, अब वो अनुमान लगा सकती थी कि क्या हुआ होगा, क्या घटित हुआ होगा, आगे कहानी का रूपरेखा क्या होगा। तब उसने अपने पिता से कहा, पापा पापा, क्या वह उल्लू से मिलने नहीं जाएगा, वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। जैक जो कहानी सुना रहा है, जो की बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है, कहता हाँ हाँ, एक बड़ा बुद्धिमान उल्लू एक पेड़ की चोटी पर रहता था, रोजर स्कंक उसके पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताया कि देखिए मेरा मेरे शरीर से कितनी बैड स्मेल आती है, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। उल्लू जो बुद्धिमान रहता है वह उसे एक जादूगर के पास जाने का राय देता कि ऐसा करो, एक सफ़ेद घर में नदी के उस पार एक जादूगर रहता है, उसके पास चले जाओ। रोजर स्कंक किसी तरह से उस जादूगर के पास जाता है जो एक सफ़ेद मकान पर रहता है, वहीं वहाँ पहुँचने के लिए उसे जंगल, दलदल, नदी सब पार करना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक बूढ़ा आदमी, बहुत छोटा सा रहता है, बाहर आता है, वही विजार्ड है, वही मैजिशियन है, वही जादूगर है। उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई थी लेकिन एक नुकीला टोपी पहना हुआ था। रोजर स्कंक ने जादूगर को बताया कि कैसे सारे के सारे जानवर उससे दूर भाग जाते हैं क्योंकि उसके शरीर से बहुत बदबू आती है। जादूगर ने रोजर स्कंक को कहा कि उसके समीप मत जाओ जब भागते हैं, तो उस सफ़ेद मकान के अंदर सारी की सारी जादू की चीज़ें थी लेकिन उस पर धूल जम गया था। जादूगर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सही कर दूंगा, अच्छा सुगंध वाला बना दूंगा, लेकिन 7 पेनीज लाओ, जिस तरह से अपने यहाँ रुपया चलता है वहाँ पेनीज चलता था। रोजर बेचारा कमाता तो था नहीं, मम्मी उम्मी पैसा वैसा दी होंगी, अरे भाई बच्चों को पैसा मिलता है ना, तो कुछ बच्चे आप लोगों की तरह खूब चटने होते हैं, खा के उड़ा जाते हैं दोस्तों के साथ, कुछ बच्चे जुटा के रखते हैं। ऐसे ही उसके पास 4 पेनिस था। जादूगर की बात को सुनकर वह रोने लगता है कि मेरे पास 4 ही है, आगे का मैं कहाँ से लाऊं। जादूगर कहता घबराओ मत, एक कुआं है वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। रोजर स्कंक वहाँ जाता है और वाकई जादूगर के कहे के अनुसार 3 पाई उसे मिल जाती है, 3 पेनी।
वो आता है, चार उसके पास थे, तीन वहाँ से प्राप्त कर लिया, सात हो गया, जादूगर को दे दिया। जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने उसके बैड स्मेल को, जो बदबू आ रही थी, उसको चेंज करके ऐसा कर दिया, अब उसके शरीर से गुलाब की खुशबू आने लगी। अब जब वो वापस लौटता है तो सारे के सारे जानवर जो दूर भागते थे उसके पास आते हैं, खूब महकते हैं, खूब खेलते हैं, खूब खुशी मनाते हैं और पूरा दोपहर खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इधर जब रोजर स्कंक घर जाता है तो उसकी माँ को भी वो सुगंध आती है, पूछती है इतनी बढ़िया सुगंध कहाँ से, क्या बात है। रोजर कहता है कि आज उसके शरीर से खराब स्मेल नहीं आ रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है और ये स्मेल उसे जादूगर ने दिया है। आप सोच रहे होंगे कि उसकी माँ खुश हो जाती, लेकिन नहीं, वो तुरंत रोजर से कहती है कि अभी उस भयंकर दुष्ट जादूगर के पास हम लोग चलेंगे। लेकिन रोजर चिल्लाने लगता, कहता है कि पहले इतना खराब गंध आता था, उसने हमारे गंध को बढ़िया कर दिया, गुलाब की तरह कर दिया, अब सारे के सारे लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, कोई भाग नहीं रहा है और तुम कहती हो जादूगर दुष्ट है, वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन माँ ने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, तुम रोजर स्कंक हो तो वैसी ही खुशबू तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए जैसी है। और वो तुम्हारा नेचुरल गंध था, जो जादूगर तुम्हें बैड स्मेल से अच्छे स्मेल में बदल सकता है, वह तुम्हें मार भी सकता है, तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है। इस तरह से वह रोजर को लेकर जादूगर के पास गई और अपने साथ एक छाता भी ले गई और उसे जादूगर के सिर पर खूब कस के मारा और कहा कि मेरे बेटे को पहले जैसा बना दो। जादूगर मार खाया था बेचारा रोजर स्कंक को पुनः बैड में चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, जो जैक की पुत्री और जो की माँ का नाम क्लियर रहता है, वो प्रेग्नेंट रहती है, फर्नीचर नीचे साफ कर रही होती है, इधर एक कहानी सुना रहा है, वो चाहती है कहानी ख़त्म करके आए, मेरे काम में हाथ बटाए। जो जो कहानी सुन रही है वो कहानी का लास्ट इन पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चों के लिए वही प्यारा होता है जो उनको अच्छे से अच्छा खिलाए, बढ़िया से बढ़िया उनके साथ बर्ताव करे। चूँकि जो ये सुनी तो उसे दया आ गई रोजर स्कंक पर, क्योंकि वो अभी बच्ची थी, कि बेचारा फिर से बुरा बदबू प्राप्त कर लिया, अब उसके साथ कोई खेलेगा नहीं, बहुत बुरा फंसा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि पापा इस कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा। यानी जो चाहती थी कि उसका पिता उसे कहानी बदल करके सुनाए कि जादूगर ने जादू की छड़ी ली और छड़ी से मम्मी को पीट दिया, इसलिए वह कहानी में परिवर्तन लाने की जिद करने लगी। इस तरह से आपने देखा कि बच्चों की मेंटेलिटी बूढ़ों की मेंटेलिटी से चेंज होती है। इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई। इसके क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से किसी तरह से पूछ लेंगे। धन्यवाद। And now it would be the turn of English main point, so that you may be able just to know the whole Hello. Summary. Good morning to everybody. As सारे well as के सारे जानवर स्मेल नहीं आ रहा, as well as in Hindi. And now, as I promised to you that I will describe this lesson in English also. So, in Should Wizard Hit Mummy, the writer John Updike
presents the world view of a little child. That name is Joe. Joe warmly responds her father storytelling. But she cannot excuse Roger Skunk mother for making poor. Roger smell bad again, and that's why George hero, her hero, must smell like roses and must not stink at any cost. So Joe wants her father to make a little change in the story. Mind here, Joe wants her father to make a little change in the story. She wants him to tell a different story. In that change version, the wizard takes a magic wand stick and hits Roger Skunk's mummy. So what would be the main point about this story you should learn in your mind? Firstly, this is such a story where a father Jay, means Joe father, used to tell stories to his little daughter Joe. Secondly, you have keep in your mind, every story had a little variation, very little variation, minor variation from the basic tale. Each story had a little creature Roger, and that little creature Roger had problem. To solve the problem, he used to go firstly a wise old owl, and then after that a wizard. The next point is that the story Joe father narrated, Joe, that story is related to the story of Roger Skunk. Roger Skunk smelled very badly. These are the main points, and you should keep in your mind, as I already told a lot of things in Hindi. So Roger smelled so badly that all little creatures kept away from him. They neither gave him company nor played games with him, and further, Roger went to the wise old owl, who advised him to go to the wizard. The wizard demanded 7 pennies from Roger, and Roger had only 4, and at the advice of the wizard, he found 3 more pennies in a magic well. The wizard was very happy to receive 7 pennies and made Roger Skunk smell like roses. Now Roger was very happy. All other little animals played with him as he smelled so good now. And Roger's mother became furious. She didn't like her son smelling of roses. He must smell like a skunk. That's why she took Roger
स्ट्रेट बैक टू द विजार्ड एंड हिट द विजार्ड ऑन हिज हिट वेरी वेरी हार्ड. द विजार्ड हैड नो प्रॉब्लम इन मेकिंग रोजर स्कंक स्मेल बैड अगेन. रोजर्स मदर वॉज वेरी वेरी हैप्पी नाउ. एट लीस्ट हर सन नाउ स्मेल लाइक अ स्कंक. शी हग एंड लव्ड हिम. रोजर फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन एंड ऑल ऑफ देम हैड अ नाइस डिनर. बट जो वांटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी. जो वांटेड अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी. शी वांटेड दैट द विजार्ड हिट मम्मी एंड रोजर नेवर स्मेल हैड बैड स्मेल अगेन. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी. एज आई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल टेल एट द लास्ट. इफ यू विल कीप ओनली दिस मेन पॉइंट्स इन योर माइंड देन देयर इज नो सस्पिशन ऑफ कोर्स दैट यू आर कैपेबल जस्ट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनी टीचर एनी बोर्ड. सो वंस अगेन आई एम एडवाइजिंग टू यू प्लीज नॉट ओनली सी बट हियर दिस सिंप्लीफाइड वीडियो केयरफुली. ऑब्जर्व ईच एंड एवरी स्टेटमेंट स्पोकन बाय मी एंड देन वंस अगेन सी द स्क्रीन. देयर वुड बी इन इंग्लिश ऑल थिंग्स आई हैव ट्राइड जस्ट टू प्रोवाइड यू. सो बाय योर कमेंट यू शुड टेल मी दैट हाउ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स ए लॉट. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक्स.